नमस्ते, मैं उपासना कार्डिंडो की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप लोगों ने डायबिटीज रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, पर आज जो वीडियो हम बनाने वाले हैं, जिस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं, वो व्यूअर्स की तरफ से रिक्वेस्ट है। तो ये टॉपिक जो है वो है कि प्रेगनेंसी के टाइम महिलाओं को क्या खाना चाहिए, मतलब शॉर्ट में उनका डाइट चार्ट कैसा होना चाहिए। तो इसके लिए हम बात करेंगे कंसल्टेंट एंड न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन ईशानी गंगोपाध्याय से। ईशानी दी, आप मुझे ये बताओ कि प्रेग्नेंट लड़कियां जो होते हैं उनके लिए तो डाइट इम्पॉर्टेंट होते हैं, बट क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं ये हम कभी नहीं पूछते, तो आप बताइए कि ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। एकदम बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल मुझे किया गया है। तो प्रेगनेंसी में डाइट इसलिए इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इस टाइम जो है प्रेगनेंसी का जो पूरा टाइम होता है एक महिला के लाइफ में, ये टाइम एक स्पेशल फिजियोलॉजिकल स्टेट है। इसमें महिलाओं का जो खाना वो खाते हैं वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है उनका जो अंदर में जो बेबी जो फिटस है उनके जो पूरा जो डेवलपमेंट होता है एक जो गर्भ के अंदर, तो उसका जो पूरी न्यूट्रिशनल जो ग्रोथ होता है उनकी ग्रोथ माँ की पुष्टि से रिलेटेड है। तो माँ का पुष्टि अगर सही नहीं होगा, अगर पुष्टि का जो मात्रा अगर सही नहीं होगा, रिक्वायरमेंट्स पूरा नहीं होगा, तो जो फीटस का जो डेवलपमेंट है वो पूरा नहीं होगा। तो इसलिए माँ का खाने में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए और क्या ज़रूरी होना चाहिए, उसके बारे में सब प्रेग्नेंट महिलाओं का उसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए। तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ये है कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो आप प्लीज़ उसके बारे में बताइए। पहले तो जो अगर हमारे जो खाना हम खाते हैं हर रोज़, उसके अगर पुष्टि उत्पादन के हिसाब से हम देखे जाए तो एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो एनर्जी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से डिवाइडेड होता है, और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है वो है विटामिन्स एंड मिनरल्स। सबको पता होता है कि हमको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, एक जनरलाइज्ड आइडिया सबके पास होते हैं, लेकिन वो खाना कैसे चूज कर सकते हैं, मतलब कौन सा खाना चूज करने से वो पौष्टिक आहार कैसे बन सकता है, इसको पता होना चाहिए। जो एनर्जी का जो मात्रा है, जो कैलोरीज, जो ज़्यादा कैलोरीज हमको दे, और जो हेल्दी फूड चॉइसेस होनी चाहिए, होल ग्रेन सीरियल्स खाने में इंक्लूड होना चाहिए, हर एक तरीके का जो सब्जी होता है जो सीजनल में अवेलेबल होता है वो हर तरीके का सब्जी अवेलेबल मतलब खाने में होना चाहिए, हर तरीके का सीजनल फ्रूट्स खाने में होना चाहिए, और जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जो हो गया, दूध का चीज़, हर एक दूध का चीज़, दही, दूध, छेना, पनीर और मछली अंडा चिकन जो खाते हैं, ये जो प्रोटीन का जो सोर्सेज है सब कुछ सही मात्रा में एक प्रेग्नेंट लेडी को लेना चाहिए। और फैट के बारे में मैं बताऊंगी कि जो फैट हमारे एक मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट है, जो सही फैट जो है, गुड सोर्सेस ऑफ फैट, एसेंशियल फैटी एसिड जिसमें मिलता है, नट्स से मिलता है, ऑयली फिशेस से मिलता है, जो DHA है, डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड, जो चाइल्ड के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत सही है, जो इम्पोर्टेंट है, वो ज़रूर लेना चाहिए। तो विटामिन्स मिनरल्स के बारे में अगर हम ज़्यादा बात करें तो कुछ स्पेसिफिक विटामिन्स मिनरल्स है जिसके बारे में बहुत ध्यान देना पड़ता है, वो है विटामिन्स, पहला जो है विटामिन सी। विटामिन सी जिसमें ज़्यादा पाया जाता है वो है साइट्रस फ्रूट्स में, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, मौसम्बी हो गया, बहुत सारे लीफी वेजिटेबल्स, खास करके जो विंटर सीजन में जो वेजिटेबल्स आते हैं, फूल गोभी हो गया, पत्ता गोभी हो गया, हर तरीके का जो लीफी वेजिटेबल्स हो गया उसमें विटामिन सी मिलता है। कलर्ड वेजिटेबल्स ज़रूर इंक्लूड कीजिए डाइट में। विटामिन सी बहुत ज़रूरी होता है जो शिशु के जो टीथ एंड गम्स डेवलपमेंट में। उसके बाद आते हैं कैल्शियम एंड विटामिन डी, ये दोनों चीज़ शिशु के जो बोन्स एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, बोन स्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, स्पाइन डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो खाने में विटामिन डी होना चाहिए, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी रिच फूड्स ज़रूर होना चाहिए। तो उसके लिए दाल का चीज़, हर तरीके का कलर्ड वेजिटेबल्स एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ज़रूर इंक्लूड कीजिए। उसके बाद आते हैं कि आयरन, फोलिक एसिड एंड आयोडीन,
जो तीनों जो बहुत ज़रूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। आयरन हम सब जानते हैं बहुत इस टाइम में हीमोग्लोबिन का बहुत डेफिशिएंसीज होते हैं, एनीमिया का प्रॉब्लम बहुत सारे प्रेग्नेंट लेडी को होते हैं, तो खास करके इस टाइम में ब्लड का जो तैयारी होते हैं एक चाइल्ड के बॉडी में, इसके लिए आयरन रिच फूड होना बहुत ज़रूरी है। तो मीट से मिलता है, दाल प्रोडक्ट से मिलता है आयरन बहुत ज़्यादा, स्प्राउटेड जो दाल्स होते हैं उस वो ज़रूर इंक्लूड कीजिए, एंड खास करके आयरन खाने में आयरन का एब्जॉर्प्शन विटामिन सी से होता है, इसलिए साइट्रस फ्रूट्स लेमन का इस्तेमाल ज़रूर करें खाने में। और आयोडीन एंड फोलिक एसिड, खास करके आयोडाइज्ड सॉल्ट का इस्तेमाल करें, क्योंकि आयोडीन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर फिटल ब्रेन डेवलपमेंट और मानसिक विकास के लिए शिशु का बहुत ज़रूरी होते हैं, इसलिए खाने में ये सारे चीज़ होना ज़रूरी है। जैसे कि आप खाने की बात करें तो ऐसा भी होता है कि प्रेग्नेंट लड़कियों को बहुत मतलब कभी कभार बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है, स्पेसिफिकली अगर हम बोले तो खट्टा या मीठा खाने का मन करता है, तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहते हो? हाँ, ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी में, एक कॉमन चीज़ है कि क्रेविंग्स होना, कभी खट्टा खाने का मन कर रहा है, किसी का बहुत मीठा खाने का मन कर रहा है। अगर खट्टा खाने का मन कर रहा है तो घर में बना हुआ कोई भी खट्टा चीज़, जो फ्रूट से बना हुआ, कोई लेमनेड हो गया, घर में बना के लेमन का जो जूस हो गया या लेमन का जो शरबत हो गया, लेमन से कुछ चीज़ बना है और साइट्रस फ्रूट से कुछ चीज़ बना है, ऐसे करके तो कोई ले सकता है। इससे खट्टा खाने का मन भी ठीक हो जाएगा, उसका टेस्ट भी आ जाएगा। अगर मीठा किसी चीज़ को खाना है तो ज़्यादा कैंडी और चॉकलेट्स वगैरह मत खाइए, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा शुगर्स होते हैं तो, और प्रोसेस भी होते हैं, तो प्रोसेस चीज़ इस टाइम में जितना कम हो सके उतना ही लेना चाहिए। तो मीठा चीज़ में आप ड्राई फ्रूट्स, मीठा फल का इस्तेमाल कर सकते हैं, घर में बना हुआ कोई भी मीठा जो है सीरियल्स, होल ग्रेन सीरियल से बना हुआ कोई पॉरीज ले सकते हैं, घर में बना के कोई भी मिठाई ले सकते हैं जो जिसमें ज़्यादा घर का चीज़ इस्तेमाल हो। हमारे व्यूअर्स की तरफ से एक कॉमन क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा आया है वो ये है कि अल्कोहल इंटेक, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इस टाइम मतलब खास करके बहुत सारी लड़कियाँ अल्कोहल इंटेक करते हैं, तो जब वो प्रेग्नेंट होते हैं तो वो अल्कोहल इंटेक करना उनके लिए कितना ज़्यादा मतलब हानिकारक हो सकता है वो आप बता सके? पहले तो अल्कोहल सबके लिए हानिकारक होते हैं, और ख़ास करके इस टाइम में तो उसको पूरी तरीके से उसको अवॉइड करना चाहिए, इसलिए क्योंकि अल्कोहल फिटल डेवलपमेंट में डायरेक्ट इफेक्ट करता है, उनकी सार्विक विकास के लिए, उसका जो चाइल्ड का जो मेंटल डेवलपमेंट होता है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, खास करके प्रेगनेंसी में जो ईटिंग डिसऑर्डर्स देखा जाते हैं उसके लिए भी इफेक्ट करते हैं, नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं। तो अल्कोहल जितना हो सके अवॉइड करें पूरी तरीके से, अगर जो जिसका हैबिट है ऑकेशनली अल्कोहल पीने का वो पूरी तरीके से इस टाइम में छोड़ दे, यही मेरा सलाह है। और हम बात करें तो अगर वॉमिटिंग भी बहुत ज़्यादा होता है किसी किसी की, तो इसको हम कैसे मतलब कंट्रोल कर सकते हैं? ये मॉर्निंग सिकनेस तो प्रेगनेंसी के जो पहले टाइम में देखा जाते हैं, जो शुरू में, तो इसको अवॉइड करने के लिए पहले तो जो पहला जो चीज़ है, खाली पेट में मत रहना चाहिए, बहुत अच्छे से पानी पीना चाहिए, जितना हो सके कम तला हुआ चीज़, जैसे मतलब प्रोसेस जो तला हुआ चीज़ होता है, डीप फ्राइड आइटम्स होता है, पैकेज्ड फूड्स में बहुत सारे सोडियम्स एंड प्रिजर्वेटिव कंटेनिंग फूड्स, जितना हो सके उसको अवॉइड कीजिए, एंड खास करके सफोकेटिंग जगह में मत रहिए, मतलब जहाँ पर ज़्यादा हवा चल रहा है एंड एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा सही है आपके लिए, उस जगह में रहिए। एक अंदर से खुद को हल्का फील होना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा देर तक फैमिली के अंदर में रहिए, और एक मील जब आप ले रहे हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर जो तीन मेजर मील है, और जब भी कुछ खा रहे हैं उसको खाने को लाइट कीजिए, मतलब एक टाइम में बहुत सारा खाना ऐसा खाने मतलब खा लेंगे तो थोड़ा सा हेवी फील हो जाएगा, इसको थोड़ा सा लाइट कीजिए, एक टाइम में थोड़ा सा लाइट मील लीजिए, पूरे दिन में खाते रहिए छोटा छोटा करके, स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट मील एक बहुत अच्छा तरीका होता है इसको मतलब रिकवरी के लिए। अगर बहुत कम शब्दों में बोला जाए कि एक प्रेग्नेंट वुमन को अपनी जो बेबी है उसका ठीक से ग्रोथ हो, तो उसके लिए उनको क्या टिप्स आप देना चाहते हैं?
अगर पूरी तरीके से देखा जाए उसके खाने में सही खाना होना ज़रूरी है, उनका बॉडी वेट सही होना चाहिए बिफोर प्रेगनेंसी एवं आफ्टर प्रेगनेंसी, कैसे उनका जो बॉडी वेट जो बढ़ रहा है वो सही से बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, और डॉक्टर का जो सलाह है उनका रेगुलर चेकअप में जाना चाहिए, और जो आपका जो कॉम्प्लिकेशंस जो अराइज हो रहा है खाने के, कोई समस्या हो रहा है तो वो ज़रूर आपका कंसल्टेशंस लेना चाहिए। और हर तरीके का जो खाना है आप जो खाते हैं, जो अभी तक हमने बताया है आपको, सब कुछ इंक्लूड कीजिए, और स्ट्रेस मत लीजिए, जितना हो सके मानसिकता को स्वाभाविक रखने के लिए अच्छे से रहिए, खुश रहिए, और जितना हो सके स्माइल कीजिए, क्योंकि जो नेक्स्ट जो फ्यूचर में जो आप लेके आ रहे हैं, जो एक नया लाइफ जो लेके आ रहे हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है, तो वो खास लाइफ के लिए आपको खुद को हैप्पी रहना चाहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।